बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है, जहां एक महिला ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शादीशुदा मौलवी ने जबरन एक महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इस मामले से जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से निकाह पढ़वाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में अनीश खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौलवी की खोज में पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। ये पूरा मामला बिमवार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हमें उसे जुड़ा ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक मौलवी जबरन महिला का धर्म परिवर्तन करा रहा है। इस मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने अनीश खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। साथ ही पुलिस मौलवी की खोजबीन में लगातार दबिश दे रही है। आपको बता दें, ये पूरा मामला बिमवार थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हमीरपुर का है ये वीडियो, जिसमें निकाह देखने को मिल सकता है। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जिस महिला का निकाह मौलवी पढ़वा रहा है, वो धर्म से हिंदू है। पुलिस ने इस मामले में अनीश खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार देश में कई जगह से जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और मौलवी की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ ब्रिजेश ओझा जुड़ रहे हैं। हम ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये मामला आखिर है कैसा, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि यहाँ जबरन महिला का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। देखिए, अपना मामला जिले के दीवार थाना क्षेत्र से सामने निकल कर आया है। यहाँ की एक हिंदू समुदाय की शादीशुदा महिला को उसी का पड़ोसी एक मुस्लिम युवक जो है बीते 6 महीने पहले उसके साथ में उसका अपहरण करके उसको अपने साथ ले गया था, जिसकी जानकारी जब पति को हुई तो पति ने इस पूरे मामले की शिकायत अभी दिसंबर माह में दीवार थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने यह पूरा मामला अपहरण का मामला दर्ज किया था। हालांकि इस मामला दर्ज होने के बाद ही पुलिस का इस पूरे मामले में ढुलमुल रवैया सामने निकल कर आया था। महिला के पति, पहले पति का आरोप है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई नहीं की है। हालांकि अभी बीते 2 दिन पहले इस पूरे मामले का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले के एक बार फिर संज्ञान लिया है। वारंट थाने में इस पूरे मामले में 2 आरोपी जिसमें कि एक मौलाना है जिसने महिला का धर्म परिवर्तन कराया और जो एक महिला के साथ में जिसकी जिसका निकाह कराया गया था, उस दोनों लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया था। कि जो धर्म परिवर्तन कराने वाला मौलाना है वो यहाँ गिरफ्तार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ की पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी मौलाना को पुलिस गिरफ्तार करेगी। जी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद ब्रिजेश। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां किसान पथ पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ से है ये खबर, जहां पर ठंड के चलते एक बार फिर से हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने यहां कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। किसान पथ पे ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से ये सड़क हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। ये पूरा मामला बीकेटी थाना क्षेत्र के किसान पथ का बताया जा रहा है। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक सीडीए ट्रेनी ऑफिसर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये बड़ी खबर है, जहां देहरादून से ट्रेनिंग पर आए एक ऑफिसर का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ऑफिसर का शव जहां वो रहते थे उस हॉस्टल से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरा सही बड़ी खबर, जहां एक सीडीए ट्रेनी ऑफिसर का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ऑफिसर जहां रहते थे, जिस हॉस्टल में ऑफिसर रहते थे, वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर उनका शव मिला है। यह भी बताया जा रहा है कि ऑफिसर देहरादून से आए हुए थे।
इस मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी सलमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान, क्या अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई खुलासा किया है? सलमान, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीडी ट्रेनिंग ऑफिसर का शव मिलने से जो क्षेत्र में हड़कंप मचा, क्या अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई खुलासा किया है कि किस तरह उनकी मौत हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कंधा थाना क्षेत्र है जहाँ पे खड़ोली में मिला है। सीडीए ट्रेनिंग ऑफिसर है जो देहरादून में ट्रेनिंग पे गए थे और रात को लोहड़ी मनाकर होटल में सोए, और सुबह को लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर इनकी का शव मिला है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो चिट्ठा आए लोहड़ी का त्यौहार मनाने के बाद, उसके बाद भी जब उनके परिजन बता रहे हैं कि जो उनके यादव थे और मित्र थे उनसे उनकी बात हुई, वो जब तक ठीक थे, लेकिन रात को ऐसा क्या हुआ, क्या घटना उनके साथ हुई या उनके साथ क्या हादसा हुआ या कोई वारदात हुई कि जिसके बाद वो 15 किलोमीटर जहाँ पर हॉस्टल है उसके बाद उनका शव मिला, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मोर्चरी के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक भी कोई खुलासा नहीं हुआ है, ना ही कोई अभी तक ऐसी जांच पड़ताल में बिंदु सामने आई है कि जिससे ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद सलमान। लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर है जहां यूपी आवास विकास परिषद में जमीन घोटाले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामले में एसवी सिंह के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश भी की गई है। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पूर्व उप आवास आयुक्त एसवी सिंह के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि एसवी सिंह के साथ साथ 5 अफसरों के खिलाफ भी विजिलेंस जांच की सिफारिश की गई है। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां विभागीय जांच में अफसर दोषी पाए गए हैं। कमिश्नर ने इस बाबत एसीएस को पत्र भी भेजा है। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां स्वच्छता अभियान के तहत पुलिस ने सफाई अभियान चलाया है और इंस्पेक्टर महानगर ने पुलिस टीम के साथ थाना परिसर में साफ सफाई की है। मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है। थाना परिसर में एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी झाड़ू लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें, प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पुलिसकर्मी अपने थाना परिसर को खुद साफ करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं जहां इंस्पेक्टर महानगर पुलिसकर्मियों के साथ सफाई करते नजर आए। बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है जहां गड्ढे के कारण नहर में एक बाइक सवार गिर गया है। बताया जा रहा है कि बाइक और युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ये बड़ी खबर है जहां पुलिस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किए हुए हैं, लेकिन अभी तक ना ही युवक का कोई पता चल पाया है, ना ही उसकी बाइक मिल पा रही है। युवक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है, लगातार रेस्क्यू टीम काम कर रही है। वहीं परिजनों ने रेस्क्यू टीम पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला पहासू थाना क्षेत्र के पलरा झाल नहर का बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है बुलंदशहर से, जहां गड्ढे के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। गड्ढे में एक बाइक सवार गिरा जो कि लापता भी हो चुका है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर है जहां अयोध्या की सीमाओं पर पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बॉर्डर पर लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस मुस्तैद रहते हुए लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सभी बैरियर पॉइंट्स पर पुलिस चेकिंग भी कर रही है। आने जाने वाले सभी वाहनों की जांच भी की जा रही है। बड़े वाहनों का रूट डायवर्जन भी कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ना सिर्फ अयोध्या बल्कि आसपास के सभी जिलों की पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर काम कर रही है। ये तस्वीरें अंबेडकर नगर की हैं, जहां अयोध्या की सीमाओं पर लगातार पुलिस मुस्तैद रहते हुए जांच पड़ताल कर रही है। बॉर्डर पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली में भी स्वच्छता अभियान देखने को मिला। यहां पर एसीपी राधा रमन सिंह कार्यालय की सफाई करते नजर आए। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। अभियान में एसीपी सहित कई पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। लगातार लोगों को सफाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने थाने की सफाई करते हुए कोतवाली को चमका दिया। कोतवाल आलोक राय भी अपने कार्यालय की साफ सफाई करते हुए कैमरा में कैद हुए।
लखनऊ में भी एक बार स्वच्छता अभियान की मुहिम चली, जहां मोहनलालगंज कोतवाली में भी एसीपी राधा रमण कार्यालय की सफाई करते नजर आए। बलिया में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गई है। ये बड़ी खबर है बलिया से, जहां मारपीट में दो पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 55 साल के अधेड़ बुरी तरह घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मेडिकल के लिए पुलिस सभी घायलों को पीएचसी मनियार लेकर पहुंची थी। आपसी विवाद के चलते फिर से एक बार मारपीट का मामला सामने आया है, जहां फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स ने सभी घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। ये पूरा मामला मनियार का बताया जा रहा है। अंबेडकर नगर में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक बच्चे का शव संदिग्ध हालत में मिला है, जो कि कुछ दिन पहले घर के सामने से अचानक गायब हो गया था। बड़ी खबर है अंबेडकर नगर से, जहां पर घर के पास मौजूद तालाब में एक बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे के गायब होने के बाद से लगातार पुलिस और बच्चे के परिवार वाले उसकी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला और घर के पास ही मौजूद तालाब से बच्चे का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की मौत तालाब में डूबने से हुई है। ये पूरा मामला जहांगीरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बड़ी खबर है अंबेडकर नगर से, जहां एक बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चा अचानक ही कुछ दिन पहले अपने घर के सामने से खेलते हुए गायब हो गया था, वहीं घर के पास मौजूद तालाब में उसका शव मिला है। बच्चे के गायब होने के बाद लगातार पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी हुई थी, परिवार भी लगातार बच्चे को खोज रहा था, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला और फिर अचानक तालाब से बच्चे का शव उतराता हुआ बरामद किया गया। ये पूरा मामला जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के निवारी दुराजपुर का बताया जा रहा है। मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी सभी अब्बास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी अब्बास, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, क्या किसी परिवार ने किसी पर हत्या की आशंका जताई है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बीते दो दिनों से ये बच्चा जो है खेलते हुए कहीं गायब हो गया था। इसकी सूचना जो है पुलिस को कल दी गई थी, उसके बाद फिर जिले के कप्तान जो है स्वयं रात में जाकर तो पूरी घटना को संज्ञान में लेते हुए और तत्काल जो है इसकी छानबीन करने के लिए कई थानों की पुलिस लगाई गई, उसके बाद फिर गोताखोरों को लगाया गया। हालांकि आज सुबह जो है इस बच्चे का शव जो है तालाब में तैरता हुआ पाया गया, तो कहीं ना कहीं परिवार का कहना है हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद सैयद शबी अब्बास। औरैया में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महिलाएं और नौजवान जमकर एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला बच्चों की लड़ाई के बाद शुरू हुआ और फिर बड़े भी आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं सभी आपस में लड़ रहे हैं। ये मामला बेला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना बेला के गांव धुंधपुर का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना बेला के ग्राम धुंधपुर में क्रिकेट बाल फट जाने को लेकर दिनांक 11 जनवरी 2024 को बच्चों में झगड़ा हो गया था। दिनांक 12 जनवरी को बच्चों की ओर से उनके परिजन भी गाली गलौज और मारपीट कर लिए थे, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई थीं। सूचना पर तत्काल थाना बेला की पुलिस मौके पर पहुंचकर मजरूहों को सीएससी सहार में इलाज करवाई थी। दोनों पक्षों के तरफ से दिए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों पक्षों से दो दो लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो।